हम जुड़ने का प्रयास करते हैं उस बच्चे की माँ से, और अंदर में उनसे हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे कि वो घटना का क्या दृश्य था, तो दो चार शब्दों में हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं अंदर, थोड़ी सी बात करेंगे उनसे भी। आज हमारे बीच में हम पहुंचे हुए हैं उस पीड़ित परिवार के माँ के साथ। आज जो बच्चा उनके गोद का बच्चा आज उनके पास नहीं है, आज वो पीड़ित है, पूरा परिवार पीड़ित है, और हर माँ बच्चा के लिए कुछ भी कर सकती है, हर जगह जाती है, माथा टेकती है, लेकिन आज बच्चा उनके साथ उनके पास में नहीं है। बहुत दर्द की घटना है, लेकिन हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की घटना हुआ रात में। आप हमरे उठली दरवाजे देख ली लग ला के एक आदमी ढुकल दरवाजे मोबाइल मांगल हमरे के मोबाइल दे दिली हमरे करवा दे मोबाइल मांगल पीछे भात बना कर भात तौधन चे खाली हमरे तो चार मेरा कल चार बजे चाय मेरा ली हमरे तार बाद कहते कि लौकी रहे छिली छिल के अपना सब्जी बना खाते जल्दी जल्दी सब्जी बना कल तार बाद कहल कि तार बाद तो कोनो नहीं पीछे बाहर लग हमरे कोनो नहीं कहे रहे तो उतरे टाक है। पिछले रात से बच्चा अभी तक मिला नहीं है, और कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही, प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी एक माँ का दर्द तो हर इंसान समझ सकता है। हम देख सकते हैं कि माँ की स्थिति अभी कितना पीड़ित है, और पूरा परिवार के लोग पूरा पीड़ित हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके जो संतान, आपका जो बेटा है, मतलब बिल्कुल सकुशल आपको मिले, इसकी हम प्रार्थना जरूर करते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इसकी जो सूचनाएँ हैं प्रशासन की तरफ से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। और आपके अभी पति अभी पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे हैं, नहीं विद्युत जिलिंग जिलिंग काट देने। अच्छा, बच्चे के मुझुठी था? हाँ मुझुठी था, दो तारीख को मुझुठी था, उस मासूम का मुझुठी दो तारीख को था, और दो तारीख को मुझ उठे से पहले ही अपने माँ से दूर हो चुका है। ये बहुत ही दर्दनाक घड़ी है इस परिवार के लिए कि एक बच्चा का मुझ उठी होना है दो तारीख को, लेकिन उनके पास अभी बच्चा नहीं है, बच्चा उनसे दूर है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही दर्दनाक घड़ी है, और हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम मुस्तैदी के साथ प्रशासन और जीपी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस प्रशासन को खबर कराए थे आप लोग? पुलिस आए रहे। ये पीड़ित परिवार, उनकी माँ से हम बात कर रहे थे, उनके दादू से भी बात कर रहे थे कि किस प्रकार एक आज इनके जो हस्बैंड है, बच्चा का जो पिता है, अभी काट के लिए निकले हैं, लेकिन आज उस भले मानस को शायद क्या पता कि जिस बच्चे का मुझ उठी करना है, आज वो बच्चा उनके हाथ में नहीं है। बहुत दर्दनाक घटना है, और अभी हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति है, अब परिवार में आज बच्चा नहीं है, बच्चा उनसे दूर है, और तैयारियां चल रही है मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन भी इसके पीछे लगी हुई। हम प्रशासनिक व्यवस्था, उनके जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये घटना जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो यही है कि बच्चा चोरी होने का एक जो अफवाह था, आज रियलिटी के अंदर में यहाँ दिख रहा है, और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र जो है ना, कहीं ना कहीं आज सुरक्षित नहीं है। जिस सुरक्षा की हम बात करें, पहली ऐसी घटना है, जो चीज़ें चल रही थी, लेकिन पहली ऐसी घटनाएं दिखाई पड़ रही, जो वास्तविकता हाँ धरातल पे है कि एक बच्चे की चोरी हो गई है, माँ से दूर है, और बच्चा पता नहीं आज किस हालत में होगी या किस हालत में होगा, ये देखने वाली अभी हम आपको बताते रहेंगे ये सारी घटनाओं के साथ।